बट जरा पॉइंट टेबल भी डिस्कस कर लेते हैं WTC का, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे डिस्कस करने को कि WTC पॉइंट टेबल इस वक्त किस तरह से आपको दिख रहा है। पहले स्थान पे देखिए वहां भारतीय टीम है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे न्यूजीलैंड। हालांकि न्यूजीलैंड की जो श्रीलंका सीरीज चल रही है वहां पे वो टेस्ट मैच हारने की जो कगार चल रही है उनकी लग रहा है वही बड़ी करीब है। आगे अगर हम देखें जिस हिसाब से आपको दिख रही भैया श्रीलंका श्रीलंका चौथे नंबर पे, और आपका इंग्लैंड है, फिर उसके बाद बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका है, वहां पे पाकिस्तान एज यूजुअल जो उनकी गेम है, और आखिरी में वेस्ट इंडीज है। पर पांडे जी देखिए इंडिया का रास्ता यहां से तो साफ है, लग रहा है एक टेस्ट मैच जीत गए अगला भी जीत जाएंगे कानपुर के अंदर, नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। न्यूजीलैंड भी जीत जाओगे आप, पर आप ये पांचों टेस्ट मैच जीतने के बाद भी क्या एक श्योर शॉट हमारे लिए हो जाएगा कि नहीं हम WTC फाइनल खेल ही रहे हैं, या फिर बीजी टीम में हमको कोई रिजल्ट चाहिए जो कि होना चाहिए? यार देखो, अगर आपने यहाँ पे पांच जीत लिए तो एक पैर आपका फाइनल में है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या फाइनल में चले जाओगे? एक पैर फाइनल में है, बस फिर बीजी टीम में आपको ये मेक श्योर करना है कि 5-0 ना हो जाए। अच्छा 5-0 ना हो जाए, 5-0 होगा नहीं, होगा तो नहीं, मुश्किल है। एक टेस्ट मैच जीत जाओ, अगर ऐसा भी हो गया ना तो फिर भी आप थ्रू हो जाओगे, क्योंकि परसेंटेज आपकी इतनी रहेगी 65-66 के आसपास रह जाएगी तब उस केस में कि आप थ्रू कर जाओगे। बिकॉज अभी आप देखो 71% पे है। अगर आपने यहाँ से चार मैच और जीत लिए यानी 12 पॉइंट्स के हिसाब से 48 पॉइंट्स और ऐड कर लो इसमें, अब 48 पॉइंट्स ऐड कर लो तो 14 ये हो जाता है, और उधर आप लगा लो कितने हो गए 34 आपके 34 के आसपास, तो 134 पॉइंट्स यहीं पे मिल जाएंगे, तो आप ऑलमोस्ट आपका एक पैर रहेगा फाइनल। हाँ, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी टेस्ट मैच में ओवररेट की पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके चक्कर में आप देख सकते हो इंग्लैंड का कितना नुकसान हुआ है। अगर आप इंग्लैंड पे जाओगे, यहाँ पे पांचवें नंबर पे फिलहाल इंग्लैंड ने खेले 16 मैच, इंग्लैंड जीता है 8 कायदे से, और एक ड्रॉ भी किया है। कायदे से उनके पॉइंट्स होने चाहिए कितने 100, क्योंकि जीतने के 12 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, 96 ये हो गया, और ड्रॉ के 4 पॉइंट होना चाहिए 100। पॉइंट्स कितने उनके अभी? तो पॉइंट्स आपके एक सेकंड यार, 81 है। अच्छा, ये क्यों हुआ पता है? स्लो ओवर रेट तो पेनल्टी पाकिस्तान को लगी थी, और पेनल्टी पाकिस्तान को भी लगी थी, अब बांग्लादेश को भी लग सकती है इस टेस्ट मैच में, जिस तरीके से इन्होंने किया है हरकत को, जो पहले दूसरे दिन बिल्कुल लगातार बहुत ही स्लो ओवर रेट चल रहा था। तो इंडिया को ये मेक श्योर करना पड़ेगा, रोहित शर्मा को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हर मैच जीते, स्लो ओवर रेट का पंगा ना पड़े, ताकि कोई पॉइंट्स की पेनल्टी ना लगे, क्योंकि अगर पॉइंट्स की पेनल्टी लगती है तो परसेंटेज पॉइंट नीचे जाता है। तो पूरी कोशिश कर रहे रोहित शर्मा, और ये चीज ये ही चीज आपको बचा के चलनी है। अगर आपने ये बचा लिया मैच तो आप जीत रहे हो, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कहने में। जैसे मैंने आपको बोला कि 4000 दिन हुआ है इसमें, आपको 4,302 इसमें आप 4000 दिन और लगाएं। इंडिया के अंदर इंडिया को हराना आसान नहीं है, सीरीज हराना तो भूल जाओ। पर पांडे जी टेस्ट मैच जीत जाओगे ये बहुत बड़ी बात है, जो इंग्लैंड किसी तरीके से एक मैच जीत गया था ओली पोप के ब्रिलियंस की वजह से। पांडे जी देखो, अगर हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि बीजेटी हम लोग जीत रहे हैं, बीजेटी हम लोग जीत रहे हैं और एक अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, देखो साउथ अफ्रीका का भी बड़ा फेयर चांस है। नहीं, बीजेटी आपका टफ होगा। नहीं, टफ होगा, आप जीतना 3-2 जो भी होगा रिजल्ट, मुझे तो लग रहा है 3-2 होने वाला है। ये देखो कि अभी आपकी ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज कितनी पांडे जी? ऑस्ट्रेलिया 62.5 है। अगर आप सपोज कीजिए कि चलिए हम अगर रिजल्ट देखते कि 3-2 रहा इन फेवर ऑफ इंडिया, इन फेवर ऑफ इंडिया 3-2 बोल रहा हूँ मैं आपको, 3-2 इन फेवर ऑफ इंडिया, तो कितनी इनकी परसेंटेज अराउंड पहुंचेगी? 58 हमने वो बनाया भी तो था, 58 अगर 3-2 होगा तो 58 है ना, ठीक है। इनके पास इसके बाद इनको श्रीलंका से भी खेलना शायद मेरे ख्याल, तो वहां अगर ये दोनों जीत जाते फिर बढ़ेगी तो 62.63। पर अगर मैं साउथ अफ्रीका की परसेंटेज देखूं पांडे जी, साउथ अफ्रीका की कितनी परसेंटेज है? साउथ अफ्रीका की 38.8। हां ठीक है, अब साउथ अफ्रीका के आने वाले मैचेस बता देता हूं मैं आपको। साउथ अफ्रीका के आने वाले दो टेस्ट मैचेस हैं श्रीलंका के सामने, ठीक है, घर पे है ना अपने उनके? हाँ जी, घर पे है, डरबन के अंदर है और गबेहा के अंदर है, दो टेस्ट मैचेस हैं। फिर उनको खेलना है माइटी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनको तो मारेंगे भाई, उनको तो 36 ऑल आउट का रिकॉर्ड टूटेगा पाकिस्तान के साथ, तो चलिए ये सीरीज भी हो जाएगी। फिर आप देखें कि इनका अगला टेस्ट सीरीज जो आएगा, मैं बता रहा हूँ बांग्लादेश, बांग्लादेश है जी, बांग्लादेश। अच्छा जी, तो इनको बांग्लादेश से खेलना है टेस्ट मैच, तो कायदे से तो इनको, और वो कहां है साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश? वो बांग्लादेश में है भाई, ये वो हार सकते हैं, ये वो एक आठ टेस्ट, ये एक टेस्ट मैच हार सकते हैं। देखो अगर सारे जीत गए तो साउथ अफ्रीका का क्लियर है, साउथ अफ्रीका अगर, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन निकाला भी था, 6 में से 6 जीत गई, ठीक है, साउथ अफ्रीका की विनिंग परसेंटेज 69 को जाएगी, 69-70 मान लो, क्योंकि मैंने वो निकाला था, ऊपर की अगर 3-2 होता तो इंडिया फिर बाहर हो जाएगा उस केस में, तो इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल, अफ्रीका फाइनल होगा अगर साउथ अफ्रीका 6 में से 6 जीतने भी है भाई। आपने अगर कोई टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया या हार गए तो फिर आप चांसेस कम कर लोगे अपने,
क्योंकि फिर वहां पे ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचोगे कि श्रीलंका से भी हार जाए जो आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया से 3-2 हारती है लेकिन श्रीलंका को 2-0 हराती है तो ऑस्ट्रेलिया की विनिंग परसेंटेज 62 point something 63 के आसपास जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका अगर 6-6 जीतती है और फिर ये रिजल्ट जो मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया का जहां पे इंडिया हरा रही है 3-2 और श्रीलंका से वो जीत भी रहे हैं, उस केस में भी ऑस्ट्रेलिया बाहर है। अगर साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए सारे मैच जीतती है, सबसे अच्छा चांस है साउथ अफ्रीका का, उनकी किस्मत उनके हाथ में है, उनको चार मैच जीत जाओ। जैसे हम अपने इंडिया के लिए क्या बात कर रहे हैं, होम टेस्ट मैच है, बांग्लादेश 2 मैच जीतो, न्यूजीलैंड 3 मैच जीतो, डब्ल्यूटीसी का स्पॉट जो है ऑलमोस्ट कंफर्म कर लो, सेफ साइड पे। साउथ अफ्रीका के लिए क्या है, जो उनके 4 टेस्ट मैच घर पे है, पाकिस्तान 2 वो तो लग ही रहा है कि उनके तो नाम होना चाहिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान की फॉर्म चल रही है और वो लंका, क्योंकि लंका को भी ये पकड़ सकते हैं अपने घर पे, पकड़ लेंगे। तो साउथ अफ्रीका के लिए जो चैलेंज होगा वो होगा बांग्लादेश में जाकर, क्योंकि अगर अभी देखो इस टाइम पे जो ओडीआई सीरीज इनकी चल रही है अफगानिस्तान, स्पिनर्स खेला नहीं जा रहा इनसे, स्पिनर्स खेला नहीं जा रहा वहां पे, दो दो भाई माकरम वगैरह खेल रहे हैं उनके ढंग के बैटर, जो ये बाबूमा टेस्ट खेल रहा है, माकरम टेस्ट खेल रहा है, बिल्कुल काइल वेरिन उनके विकेट कीपर टेस्ट खेलते हैं जो कि दूसरे मैच में थे, मुल्डर टेस्ट खेलता है, मुल्डर भी उनका टेस्ट खेलता है, टोनी डे जॉर्जी का पता नहीं लेकिन वो भी शायद टेस्ट मैच में आ रहा है, हाँ टेस्ट मैच में है वो। तो ये 5 नाम मैंने गिनाया आपको बैटिंग में, ये जितने बैटिंग ऑर्डर जो बैटिंग ऑर्डर इनका खेल रहा है ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट यही खेलेगा स्पिनर के साथ। पांडे जी की अगर इंडिया बीजीटी का रिजल्ट 3-2 हो और साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए सारे मैच जीत जाए साउथ अफ्रीका फाइनल, तो एक बार फिर से इंडिया और साउथ अफ्रीका जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था, हाँ जी सेम टीम्स आपको और फिर WTV फाइनल और फिर माइटी ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। और देखिए यार देखो वैसे मेरे को लग रहा है इंडिया तो एक एक तो फाइनलिस्ट मुझे लग रहा है कंफर्म हो चुका है यार इंडिया, हाँ मुझे भी लग रहा है ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुका है, एक जगह तो इंडिया की पक्की हो चुकी है। पर पांडे जी पाकिस्तानी दोस्त कुछ पूछना चाह रहे हैं कि उनका कोई चांस है, आप बताए ना आप एक्साइटेड रहते हैं पाकिस्तान के लिए, तो आप एक्साइटेड रहते हैं। कितने मैच बचे उनके, उनके वेस्ट इंडीज वाले बची सीरीज नहीं, पहले तो उनका इंग्लैंड सीरीज बची है, माइटी इंग्लैंड आ रही है, 3 मैच इंग्लैंड से खेलने हैं, फिर आपको साउथ अफ्रीका, मुझे ये बताएं रूट कितने 100 मारेगा इंग्लैंड के सामने, 100 छोड़ दो कितने टेस्ट मैच है, 100 छोड़ दो डबल टेस्ट मैच है, डबल 100 की बात कर, 3 टेस्ट मैच 100 करूंगा, 3 टेस्ट मैच है, आई थिंक 6 इनिंग्स है, हर इनिंग का 100, हर इनिंग का 100, देखो मैं बता रहा हूं 6 में से 3-4 तो होने ही वाला है।